नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से और मैं लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और न्यू माइनक्राफ्ट की वीडियो के साथ। तो गाइज मुझे बहुत ही खुशी है क्योंकि गाइज हमारी चैनल पर 119 के ऊपर हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं और बहुत ही जल्द 200 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो गाइज जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कीजिए और हमको सपोर्ट कीजिए, और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो जैसे कि आपने पिछली वाली वीडियो के अंदर देखा होगा कि मैंने पिछली तरफ पीछे की तरफ आप अभी भी देख पा रहे हो कि वहाँ मैंने नेदर पोर्टल बनाया हुआ है और इंचेंटमेंट टेबल भी मैंने बनाई थी और हमारा पूरा आर्मर भी मैंने इंचेंट कर दिया है। तो यहाँ पर हम आज क्या करने वाले, जैसे कि हमने नेदर पोर्टल बना ही लिया तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको रेड भी किया जाए। तो हम आज की वीडियो के अंदर जाने वाले नेदर के अंदर और हमको जल्दी से जल्दी नेदर फोर्ट्रेस को ढूंढना है और मुझे चाहिए ब्लेज रोड क्योंकि मेरे को ब्रूइंग स्टेन बनाना है और उसके बाद वो बहुत सारा हमको नेदर का काम है और वैसे भी हमको ये एंडरमैन स्पॉन होते हैं उसको क्या बोलते गाइस, बायोम का नाम मुझे नहीं याद। तो कोई बात नहीं गाइस, आपको देख सकते हो मैंने यहाँ पे बहुत सारा अपग्रेड भी करता हूँ, मैं ऑफलाइन के अंदर बहुत सारा अपग्रेड भी अपने मतलब वर्ल्ड के अंदर करता रहता हूँ गाइस। तो यहाँ पे मैं बहुत सारा धीमे धीमे अपग्रेड करता रहता हूँ। तो चलिए गाइस चलते हैं हम नेदर के अंदर, वहाँ जाके हम एक्सप्लोर करते गए। तो चलिए चलते हैं नेदर के अंदर। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं ऊपर की तरफ और यहाँ पे हमको जाना है नेदर पोर्टल के अंदर गाइज, और अंदर जाने में थोड़ा सा वक्त लगता है आपको भी पता है। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा टाइम लगने वाला गाइज, तो यहाँ पे हम नेदर पोर्टल के अंदर चले जाते गए। तो अंदर जाने के बाद हमको क्या करना है, पहले तो सीधा मैंने मतलब ऑफलाइन के अंदर मैंने बाद में यहाँ पे अंदर आके मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक अपने लिए सेफ रूम बना दिया था। और यहाँ पे अंदर आने के बाद मेरे को याद आया कि मैं गोल्ड के मतलब कुछ भी चीज़ पहन के नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास बहुत ही सारे पिगलिन घूम रहे थे, तो वैसे भी मेरे को नेदर के अंदर बहुत ज़्यादा डर लगता है गाइस। तो यहाँ पे मतलब क्या ही करूँ यार, मैं यहाँ पे फिर मैं बाहर गया और उसके बाद यहाँ पे मैं अपने लिए गोल्ड का आर्मर लेके आया और उसके बाद यहाँ पे जो भी पिगलिन थे यार उसको मैंने भगा दिया, वो चले गए। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे को एरो भी 2-3 मारे हुए क्योंकि मैंने वो कपड़े नहीं पहने हुए थे। तो यहाँ पे एक और आ गया और मेरे को मारने में लगा हुआ, तो इसको हम ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे इसमें मैं इनको इसको ख़त्म कर दिया और उसके बाद यहाँ पे पीछे की तरफ थोड़ी सी एक्सपी और भी है क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको बहुत से मारा था, तो यहाँ पे हम एक्सपी कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमको जाना इस तरफ गाइज क्योंकि हमारी राइट साइड होती है वो बहुत ही हमारे लिए लकी हो सकती है। तो यहाँ पे मेरे को जाना है अभी राइट साइड को, यहाँ पे मतलब ये पूरा मतलब इसको ये रेड वाले बायो मतलब इसको क्रिम्सन फॉरेस्ट बोला जाता है। तो यहाँ पे मैं क्रिम्सन फॉरेस्ट के अंदर स्पॉन हो चुका है और ये बहुत ही मस्त स्पॉन है। तो इसके बाद यहाँ आगे बढ़ने के बाद मैंने यहाँ पे बहुत सारे सुअरों को मारा गाइज, जल्दी से बहुत सारे सुअरों को एक साथ मारने में लगा हुआ था गाइज यार, मैंने बहुत सारे सुअरों को मारा। और ये एक बात मेरे को बहुत ही अच्छी लगी क्योंकि मेरी सोर्ड के अंदर लगी हुई थी फायर एक्सपेक्ट, तो इसका फ़ायदा हुआ कि मेरे को कुक्ड पोर्क चॉप मिल गया गाइज। तो मेरा खाने का बंदोबस्त तो ऐसे ही हो गया। यहाँ पे मैंने बहुत सारे सुअरों को मारा, उसके बाद मैंने सोचा कि यहाँ पे हम मतलब एक निशान कर जाते हैं, तो फटाफट चलते हैं निशान करते हैं, कुछ अच्छी जगह ढूंढ लेते हैं। तो जैसे कि आपने देखा गाइस कि यहाँ मेरे को बीच में रास्ते में भी बहुत सारे सुअर मिल रहे थे और मेरे को बहुत परेशान कर रहे थे, और ये हमारी ये जो मतलब ब्लू कलर की बायो में जिसका नाम मुझे अभी तक याद नहीं है। तो गाइस मेरे को कमेंट में जाकर एक बार जरूर बताना कि ये वाली बायोम को हम क्या बोल सकते हैं, उसका क्या नाम है। मेरे को तो ये ब्लू बायोम में मैं अभी बोलूँगा क्योंकि मुझे इसका नाम कुछ याद नहीं है, और रेड वाली बायोम का तो मुझे नाम याद है क्योंकि इसको क्रिम्सन बायोम बोलते हैं। तो कोई बात नहीं गाइज, मेरे को कमेंट करके एक बार जरूर बताना। और यहाँ पे ये जो ब्लू वाली बायोम है वो हमारे मतलब ये जो हमारा पोर्टल था उसके कोई ज़्यादा दूरी पर नहीं है, 100 ब्लॉक या 200 ब्लॉक ऐसा कुछ दूरी है, मैंने कुछ ऐसा नापा नहीं है। तो कोई बात नहीं है गाइज, यहाँ पे मैं ये ब्लू वाली बायोम के पास आ गया था और ये ब्लू वाली बायोम के अंदर आपको पता ही है कि ये ब्लू वाली बायोम के अंदर हमको मिल सकती है एंडरमैन गाइज, यहाँ पे हमको एंडरमैन मिल सकते हैं। तो उसकी वजह से हमको एंड मतलब वो क्या बोलते हैं एंडर पल की दिक्कत नहीं होने वाली गाइज। तो यहाँ पे मैं एंडर मतलब एंडरमैन को मार के उनकी जो क्या बोलते हैं उसकी अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना, आंखें निकाल लेंगे, उसके बाद हम उसकी आंखों से गोटियां खेलने वाले गाइस। तो कोई बात नहीं गाइस, इतना तो चलता रहता है, तो कोई बात नहीं चलो गाइस। यहाँ पे सामने की तरफ मेरे आसपास में बहुत खतरा था और गाइस
जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैंने मतलब यहाँ पे जहाँ पे ये ब्लू बायोम है उसके पास ही यहाँ पे मेरे पास एंडरमैन और पिगलिन और होगलिन सब मतलब ये देखो यहाँ पे ये वो जो कूदने वाली जो स्ट्रिंग जैसी होती है वो भी हमारे पीछे पड़ चुकी है। मेरे को सभी को मारा और उसके बाद मतलब बहुत दिमाग ख़राब हो गया था भाई। आपको थोड़े के टाइम के अंदर मिल जाता है पर यहाँ पे हमको यार बहुत ही टाइम लग गया। मेरे आई कम से कम आधा घंटा पौना घंटा उधर ही उतने ही टाइम में उसी जगह पे निकल चुका था और बहुत सारे लोगों के साथ मतलब फाइटिंग वाइटिंग करके मैं इस तरफ आया। तो यहाँ पे मैं जहाँ पे मैं खड़ा था उससे थोड़ा आगे की तरफ आके मैं ये जो थोड़ा सा ऊपर की तरफ था तो यहाँ मैं ऊपर चढ़ा तो यहाँ पे मेरे को दिख चुका था फोर्ट्रेस गाइस। तो यहाँ पे मेरे को एक नेदर फोर्ट्रेस मिल गया था और यहाँ पे सामने की तरफ मेरे को बहुत सारी मतलब ये जो ब्लेज है वो ब्लेज उड़ती हुई दिख रही थी। मैंने सोचा कि भाई वो मेरे को अटैक करे उससे पहले मैं उन सबको जो हवा में है उन सबको यहाँ पे अपनी बो पावरफुल बो है मतलब मैंने ये बो बनाई थी गाइज। मैंने जैसे कि आपको बताया था पिछली वाली वीडियो के अंदर बताया था ये उससे पहले बताया था मुझे याद नहीं है पर मैंने आपको बताया था कि मैं अपने लिए एक ज़बरदस्त बो बनाऊंगा और मैंने बो बनाई थी और मेरी मतलब बो के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त मतलब इंचनमेंट मेरे को मिल चुके थे मतलब पावर 4 मेरे बो के अंदर लगा हुआ है और मतलब क्या ही बोलूँ कि यार पावर 4 लगा हुआ है, इन्फिनिटी लगा हुआ है, फ्लेम लगा हुआ है, सब कुछ अनब्रेकिंग लगा हुआ, सब कुछ लगा मतलब जितनी भी इंचनमेंट बो के अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी लगती है वो मैं सब लगा दी थी इसके अंदर। तो कोई बात नहीं गाइज़, यहाँ पे मैं फोर्ट्रेस के पास में जाने लगा था गाइज़ क्योंकि हमको नेदर फोर्ट्रेस के अंदर जाना था और उसके अंदर जाके हमको ब्लेज रोड थोड़ी सी कलेक्ट करनी थी। तो यहाँ पे मैं नीचे की तरफ आ चुका था और सामने की तरफ जितनी हवा में भी जो ब्लेज घूम रही थी उनको मैं बो की मदद से मारने में लगा हुआ था गाइज। और यहाँ पे हमारी फोर्ट्रेस सिर्फ स्टार्ट होती गाइज, यहाँ पे कोई भी रास्ता नहीं था तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा फंस चुका था क्योंकि ये ओपन एरिया था और यहाँ पे रहना थोड़ा मुश्किल हो सकती है क्योंकि यहाँ पे हम मर सकते हैं तो यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी आग लगी हुई क्योंकि यहाँ पे ब्लेज भी हमारे ऊपर हमला करती रहती तो यहाँ पे मतलब बहुत ही हमला हो सकता है। यहाँ पे ओपन जगह है यार, मैं जहाँ से एंटर हुआ देखो यार देखो यहाँ पे मैं जैसे ही बात कर रहा हूँ यहाँ पे मेरे को ब्लेज मारने में लगी हुई कि यार मैं यहाँ क्या करने वाली यहाँ पे छोटा सा बेस बना लगी क्या है कि ब्लेज तो यार फायर फेंकती है तो अभी मेरे पास फायर का कोई पोशन नहीं है तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा बेस बना लेता हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा बेस बनाने के बाद इसके अंदर हम क्या है दौड़ के अंदर की तरफ आ सकते हो। तो यहाँ पे हमको क्या है जब भी हमको ब्लेज मतलब मारने के लिए आएगी तो हम इसके अंदर आके घुस जाएंगे तो मतलब लगेगा कम यार हो आग लग जाएगी तो फिर यार बुझती नहीं है तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है या यहाँ पे हम मर भी सकते हैं। और मेरे को यही एक चीज़ की मतलब बहुत ही डर लग रहा है क्योंकि यहाँ पे मैं जल के अरे यार ये सामने वो निकल अरे ओ देखो आप देख सकते हो गाइस अनब्रेकिंग 3 लगा हुआ है, फ्लेम लगा हुआ है, पंच 2 लगा हुआ है। ओहो जबरदस्त हमारी बो एक ही शॉट के अंदर किल कर देती। तो यहाँ पे हमने ये जो मतलब बेस को मारा पर कोई फायदा नहीं हुआ गाइस, यहाँ पे इसको मारने पर कुछ भी नहीं मिला हमको। तो यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा अपना बेस बड़ा करने में लगा हुआ था गाइस पर ये कोई ऐसा बेस नहीं है कि मैं यहाँ पे खड़ा ही रहूँगा। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि यहाँ खड़े रहने से कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि हमको फोर्ट्रेस के अंदर तो जाना ही पड़े। तो यहाँ पे मैं बाहर निकला हूँ, जैसे बाहर निकला तो पीछे की तरफ से एक स्केलेटन आ गया और मतलब ये वो जो काला वाला स्केलेटन होता वो स्केलेटन आ गया और मेरे को इफेक्ट दे दिया। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा आग बुगुला हो गया और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तो उसके बाद कुछ गड़बड़ी हो गया और मैं खाने की कोशिश कर रहा था पर मेरा हंगर पूरा हुआ था तो कुछ नहीं। उसके बाद देख सकते हो गाइज कि यहाँ पे मेरे इन्वेंटरी के अंदर ये जो स्कॉल आ गया भाई पहली बार पहले ही स्केलेटन को मारते ही शेर को सीधा मेरे को स्कॉल मिल गया। तो गाइज ये बहुत ही मस्त चीज़ है। तो हमको मतलब उसके स्केलेटन के स्कॉल भी हमको लेने पड़ेंगे क्योंकि हम विदर भी स्पॉन करके मारेंगे पर वो अभी नहीं गाइज अभी तो इससे भी बहुत ज़्यादा डल रहा है तो विदर तो बहुत ही बड़ी बात है। तो यहाँ पे हमारी ब्लेज भी बहुत सारी स्पॉन होने में लगी हुई थी तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था फोर्ट्रेस के अंदर जाने में। तो यार मैं क्या ही करूँ कि अंदर जाऊँ कि ना जाऊँ सोचने में बहुत सारा टाइम चला गया। और यहाँ पे वो जो मतलब क्या ही बोलते हैं वो मोटी सी घास यार स्पॉन होने में लगी हुई थी तो वापस मैं अपने बेस के पास आ गया क्योंकि मेरे को यार बहुत ही डर लग रहा है और मैं नेदर के अंदर मेरे को बहुत डर लगता है। मैं यार सामने से आपको बोलता हूँ कि यार नेदर के अंदर मेरे को बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। ये गाइज आप देख सकते हो कि मेरे ऊपर ये घास घूम रही है तो उसको मैं पहले तो ये मारने की कोशिश कर ये लगा अरे नहीं लगा तो पहले
हाँ तो यहाँ पे हम इसको मार देंगे और फिर यहाँ से मैं चलता हूँ वापस। तो यहाँ पे मैं घूमते 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 मैं फिर से वापस यहाँ पे वही उसी जगह पे जहाँ पे ब्लेस स्पॉन हो रही थी, स्पॉनर के पास आ गया। और यहाँ पे सामने रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे कल जीतेंगे परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। हाँ सारे कहाँ कहाँ से चले आते हैं ये जो ब्लैक स्केलेटन था। और ये मजे की बात ये कि इसने हमको मतलब क्या बोलते हैं वो स्कल ड्रॉप करके नहीं दिया। और वहाँ पे मैं सीधा भाग के सीधा नीचे की तरफ आ गया क्योंकि यार यार ये जो ब्लेज है उससे मेरे को बहुत ही डर लगता है। अभी तो मैं ऐसे ही मुश्किल से यहाँ पे आ गया, इसीलिए मेरे को ये ब्लेज चाहिए। और ब्लेज जब भी मिलेगी तुमको तब हम ब्रूइंग स्टैंड बना सकते, और ब्रूइंग स्टैंड बनाने के बाद हम फायर वाले पोशन पी के यहाँ पे आएंगे तो हमको थोड़ा सा खतरा कम रहेगा। और यही इसकी जलने की वजह से ही मेरा थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है और यहाँ पे हम जल के इसकी वजह से मर सकते। वैसे तो मेरे पास प्रोटेक्शन 3 वाला आर्मर है, पूरा का पूरा प्रोटेक्शन 3 वाला आर्मर है, पर ये ब्लेज यार मार सकती है, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसके इससे बहुत डर लगता। और यार मैं इतनी सारी ब्लेज को मार रहा हूँ पर मेरे को एक भी ब्लेज रोड नहीं मिल रही। क्या इसमें मतलब सोर्ड के अंदर लूटिंग 3 लगाना पड़ेगा? पता नहीं यार, कोई बात नहीं, जो भी है अभी मेरे को एक या दो ब्लेज रोल भी मिल जाएगा तो भी हो जाएगा। और यहाँ पे सामने की तरफ भी एक ब्लेज स्पॉन, अरे यार ये मुंह के ऊपर ही आ गया। और यार ये ब्लेज को पता कैसे चलता है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ? अरे दो आ गया, अरे 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 नहीं 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 अरे नहीं मत 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 नहीं नहीं अरे बुझ जा अरे मर जाऊँगा अरे दिमाग खराब यार, अरे बच गया अरे एक और आ गया, अरे 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 बच जा अरे अरे क्या ही कर रहा हूँ मैं, जल्दी अरे ले यार जल्दी। अरे ये ब्लेज को पता कैसे चल रहा है कि मैं यहाँ पे खड़ा हुआ? अरे पिगलिन को भी मार दे। और ये काला स्केलेटन, अरे ये फसल बन गई, फसल बन गई, अरे 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 नहीं नहीं ऊपर चढ़ो जल्दी से ऊपर चढ़ो। अरे गाइस बहुत ही मतलब गलत फसल हो गई है यहाँ पे, तो अभी कुछ नहीं कर सकती। यहाँ पे मैं ऊपर थोड़ा सा बैठता हूँ और अपनी हेल्थ को फुल करता हूँ, तब तक कुछ ना कुछ हो पाएगा। और यहाँ पे मेरे को लगता है अब कुछ नहीं आया तो कोई ना आए तो अच्छी बात है। और वैसे भी मेरी हेल्थ रिकवर हो चुकी है, तो एक और ब्लेज आ चुकी है। और ये इसने मेरे को देख लिया। अरे अरे नहीं 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 यहाँ से मैं मार भी नहीं पाऊँगा। अरे अरे नहीं 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 अरे रहने दे, अरे अरे ये क्या हो रहा है? खाना खा खाना भी नहीं खा रहा पर। अरे क्या हो रहा है? हंगर भी कम नहीं हो रहा है और मेरी हेल्थ भी जा रही। अरे अरे मरने वाला हूँ। अरे यार अरे भाई बहुत ही गड़बड़ होगी गाइस, बहुत ही गड़बड़ होगी। अरे भाई मैं पूरा मर गया यार फोर्ट्रेस के पास, और सीधा मैं अपने घर पे आ गया तो यार बहुत ही बड़ी गड़बड़ हुई गई। हमारा पूरा डायमंड का आर्मर सोर्ड सब कुछ चला गया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गाइज ये वो वाली रिकॉर्डिंग है, उसके बाद मैंने रिकॉर्ड किया था। उसके बाद मैं आयरन का आर्मर जो आप देख सकते हो वो मैं पहन के वापस गया था, तो वापस भी मैं मर गया था गाइज। और उसके बाद तीसरी बार गया वापस, और उसके बाद मेरे को यार बहुत ही टाइम के बाद मैं वहाँ तो पहुँचा, तो यार मेरी एक बो पड़ी हुई थी और ये स्केलेटन का हेड यार कुछ भी थोड़ा सा सामान वहाँ पे पड़ा हुआ था। और मेरा पूरा डायमंड का आर्मर और मेरी डायमंड की जो सोर्ड थी वो मैंने घुमा दिए गाइस। तो यार नेदर मतलब ये नेदर के मेरे को यही डर लगता है, इसके अंदर हम अपनी चीज़ों को गवा सकते, कितनी मेहनत से मैंने अपना आर्मर बनाया था। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।